हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बेटा हम क्लास एट का क्वेश्चन नंबर एट चैप्टर है हमारा इलेवन, चैप्टर इलेवन का एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर एट हम आज के सॉल्व करें। ठीक है बेटा, देखिए क्या है, एक ब्रिज है ऐसा, आपकी बुक में भी दिख रहा होगा, ठीक है, और नीचे है रिवर, और यहां जो बना हुआ है ये हमारे पास ट्रेपेज़ियम, क्या बना हुआ है हमारे पास ट्रेपेज़ियम, देखो आपकी बुक से ये आपको दिख रहा होगा ऐसा, ठीक है, तो ये रोड है और ये है रिवर और ये बना हुआ है हमारे ट्रेपेज़ियम, ठीक है, उनकी डिस्टेंस जो है वो है बेटा 100 मीटर, कितनी है 100 मीटर। फिर आपसे कहा है जो पैरेलल साइड्स है वो एक्स और ये हो गए हमारे पास 2x, क्या हो गई वन साइड तो हो गई एक्स, रोड वाली जो साइड है बेटा वो एक्स ले ली और रिवर वाली जो साइड है वो क्या ले ली 2x क्वेश्चन में, ठीक है। तो लेट दी फर्स्ट साइड बी एक्स एंड सेकेंड साइड डी टू एक्स ट्यूब ऑफ फर्स्ट साइड, ठीक है। अब आप देखें इनकी हाइट जो है वो कितनी है 100 मीटर, तो एरिया ऑफ ट्रेपेज़ियम आपको गिवन है, एरिया ऑफ ट्रेपेज़ियम क्या है आपके पास बुक में देखें आप 10500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेज़ियम क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ए प्लस बी या फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट 10500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आप देखिए 1/2 का तो बेटा हमारे पास 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, वन साइड तो हो गई एक्स और सेकंड साइड हो गई 2x, मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 100, ठीक है। अब देखिए आप यहां क्या हो जाएगा 10500 मीटर स्क्वायर, हमने इनको ऐड किया कितना हो गया 3x, तो 3x और इस 1/2 को ट्रांसफर कर दिया, ये क्या आ गया 10500 मल्टीप्लाई बाय 2, 100 को भी ट्रांसफर किया 100, दो जीरो से टू जीरो से टू जीरो कट 2 3, एक्स इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 1, है ना, और ये 2, तो ये क्या मिला हमें, क्या आ गया हमारे पास एक्स इक्वल्स टू 210/3, यानी कि एक्स इक्वल्स टू हमें मिला 70 मीटर, तो वन साइड तो आ गई और लॉन्गर साइड क्या आएगी, लॉन्गर साइड क्या आएगी 2x, तो फर्स्ट साइड 70 मीटर एंड सेकंड साइड क्या होगी बेटा 2x 2 मल्टीप्लाई बाय 70 इक्वल्स टू क्या आया 140 मीटर, ठीक है, नोट करें आप इसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागन सरफेस, ऑक्टागन से आपके पास है यहां पे गिवन है ऐसा आपको क्वेश्चन नंबर 9 में है और आपको इस पूरे इसका क्या करना है एरिया फाइंड करना है, तो देखो वन पार्ट सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, थ्री पार्ट हो गए, ये हाइट भी क्या है 4,
ठीक है। तो एरिया ऑफ ऑक्टागन अगर हम फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ ऑक्टागन फाइंड करने के लिए बेटा यहां देखें, यहां पर क्या आएगा, एरिया ऑफ सरफेस, पहला ट्रिपेजियम है या नहीं है, देखो टू पैरेलल साइड भी है और हाइट भी है, तो पहले का पहले एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट प्लस एरिया ऑफ पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस, दूसरा क्या है रेक्टेंगुलर है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, फिर ट्रेपेजियम है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है बेटा, आप देखें क्या है, 5 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। फिर क्या है 11 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। अब देखें आप यहां पर ये हो गया हमारे पास 2 टाइम 16 यानी कि 32 प्लस 55, ठीक है। देखें आगे 55 के बाद ये 2 टाइम कितना हुआ 16 यानी कि 32 और ऐड करें 5 2 5 7 2 9 3 5 8 और 3 11 1 1 9 मीटर स्क्वायर, ये आपका सरफेस एरिया आ गया। तो नोट करें इसे बताऊं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बताऊं क्वेश्चन नंबर 10 में आपको डायमेंशन है अपने पास, इस डायग्राम के अंदर मेजरमेंट हमें दिया हुआ है, ये 15 ये 15 ये 15 और ये पूरी लॉन्गेस्ट साइड जो है ये कितनी गिवन है आपके पास 30, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में टू टाइप्स हो गया, फर्स्ट टाइप तो ये हो गया हमारा और सेकंड टाइप हो गया ये, ज्योति इसको ऐसे सोल्व करती है डायग्राम को और कविता ऐसे सोल्व करती है, ठीक है। अब देखेंगे आप यहां इसको सोल्व करें तो 1 ट्रेपेजियम एंड 2 ट्रेपेजियम बन रहे अपने पास। अगर बात करें तो यहां पर ये कितनी हो गई 15, ये कितना हो गया बेटा 30 मीटर और ये कितना था अपने पास 15, तो ये वाली साइड तो हो गई बेटा 15/2 और ये भी हो गई 15/2। तो एरिया ऑफ टू ट्रेपेजियम निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, वो निकाल लेते हैं। तो आप बुक देखें, ये बुक में भी गिवन है आपके पास, ठीक है। तो एरिया ऑफ ज्योति डायग्राम, ज्योति डायग्राम क्या मैंने भी क्या बताया, ये क्या बन रहा है ट्रेपेजियम, तो 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। आप देखें 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि 15 और 30 और हाइट कितनी बेटा 3/2 कितना हो गया 45
मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 2, 45 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो आएगा 675, और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 25 मीटर स्क्वायर। तो ज्योति का जो डायग्राम है उसका एरिया तो ये आ गया। अब हम बात करते हैं कविता के डायग्राम की, सेकेंड पार्ट है इसका। यहां देखिए ये कितना हो गया अपने पास 15, ये 15, ये टोटल 30 था, तो ये यहां से यहां तक 15 हो गया ना, ये भी 15, तो ये कितना होगा 15 मीटर। तो एरिया ऑफ कविता डायग्राम ये क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर प्लस 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। साइड कितनी आ गई 1/2, हाइट 2 5 प्लस 2 5/2, ठीक है। एलसीएम के लिए हमने क्या आया 2 5 2 जा 10, 4 5 4, 2 2 5, ठीक है, 5 7 6/2, और 5 7 6 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 337.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, और आप इसे नोट कर ले अब, है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 में ऐसा डायग्राम आपके पास गिवन है, ठीक है, और आपसे कहा गया है कि ये जो इनके साइड से है ना, इन साइड्स का हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन पढ़ ले बने जो इसका एरिया फाइंड करना, ठीक है। तो एरिया वाइड क्या निकालेंगे, हमने देखा ये 24 है, 28 है, तो ये जो बना वो क्या करती, इनकी हाइट 4 सेंटीमीटर। तो इनको देखो, ये इक्वल पार्ट है दोनों, फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, तो ये कौन से डायग्राम की तरह दिख रहा है, ट्रिपेजियम की तरह दिख रहा होगा। तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट निकालेंगे, क्या आएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब 16 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड 2 से 4 यानी 2 टाइम, ये हो गया अपने पास 40 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट क्या आया, सेम आएगा। तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेकंड पार्ट इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेम ऐसे ही एरिया ऑफ थर्ड पार्ट इक्वल्स टू एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट, वो भी क्या है, ट्रिपेजियम में बेटा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब 20 और 28 और हाइट वही 4 है,
टू टाइम कितना हो गया 48 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे दोनों आंसर आ गए बेटा। ठीक है, तो ये आपने कंप्लीट कर लिया चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11.2 को। बाकी जो क्वेश्चन से हम 11.3 को कल नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।